Hi guys, welcome back to my channel. आज है मेरी 7 days 7 looks की सीरीज नंबर डे नंबर 2. तो आज मैं आपके साथ एक लुक शेयर करूँगी जो सोनाक्षी सिन्हा ने एकदम सिंपल लुक किया था, तो वो लुक करना चाहूँगी मैं आपके साथ. लुक अच्छा लगे तो सेक्शन में चाहें और प्रेस दी बेल आइकन ताकि आप मेरी अगली वीडियो के लिए अपडेट हो जाए. तो सो गाइज, अब मैं मेकअप करना स्टार्ट करने से पहले मैं लगाऊंगी ये मॉइस्चराइज़र. तो मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं. गाइस, मैं लगा रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर जो कि बहुत ही अच्छा कवरेज देता है एंड देन आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. गाइस, मैं अब लगा रही हूँ ये बीबी क्रीम जो कि बहुत अच्छी कवरेज देती है मेरे को, तो मैं लगाऊंगी ये लिप क्रीम. एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपनी अंडर आइज में जरूर लगाइए एंड देन आईलिड्स के ऊपर भी लगाइए. जॉ लाइन पे लगाना है अपनी एंड देन अपने चिक बोन पे भी लगाना है. अंडर आई, नोज, इन सब पे लगाना है आपने एंड डॉटेड फॉर्म में भी लगा सकते हो आप फिंगर की हेल्प से, बट मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. इसे ब्लेंड कर लीजिए ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो हर जगह लग जाए, अदरवाइज़ एक जगह लगेगा तो आपका वो कवरेज नहीं आएगा. मैं देखिए अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ. बहुत अच्छे से ब्लेंड करके दिखा रही हूँ आपको. नोज़ पे, फॉरहेड पे अच्छे से लगाइए एंड देन नेक पे ज़रूर लगाना अगर आपका नेक आपके फाउंडेशन के कलर के हिसाब से है. तो मेरा जो नेक है वो मेरे फेस के हिसाब से मैच हो रहा था तो इसलिए मैंने अपने नेक बोन पे नहीं लगाया. सो गाइस, अभी आप बीबी क्रीम या फिर कोई भी फाउंडेशन लेके, अपना फेवरेट फाउंडेशन लेके उसे ले लीजिए एंड देन अपनी अंडर आइज में एंड देन आईलिड्स के ऊपर लगाना है. इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, हाइलाइट्स पॉइंट पे लगाना है जहाँ आपके हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं. मुझे पता है मैं अजीब सी लग रही हूँ. अच्छे से ब्लेंड करना है जिससे कि आपको एक अच्छा कवरेज मिल जाएगा आई शेडो लगाने से पहले या कोई भी चीज़ लगाने से पहले. ओके, तो मुझे देख सकते हो आप, मेरी आईलिड पे, अंडर आई पे, सब जगह मुझे कवरेज मिल चुका है. तो इसीलिए सो गाइज, अब मैं ले रही हूँ लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो. तो मैंने लिया कॉम्पैक्ट पाउडर.
अपनी अच्छे से आईलेट्स में लगाइए एंड देन अंडर आई में लगाइए, जिससे कि आपको एक बेस मिल जाएगा आई शेडो का। ओके, तो जैसा कि मैंने एक आई पे लगाया, आप वैसे दूसरी आई पे भी लगाइए। एंड देन आपने जहाँ कॉन्टोरिंग के नीचे वाली जॉ लाइन होती है वहाँ की साइड आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पाउडर लेके कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क इसीलिए करना है कि आप इससे ऊपर या जहाँ में आपने मार्क लगाया उससे ऊपर की साइड आपको कॉन्टोरिंग करनी है अपने चिक की, यानी कि अपने फेस को पतला दिखाना है। यार वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी है अभी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, अभी आप पाउडर को सेट होने दीजिए, तब तक आप फेस मेकअप कर लें। लाइक जैसे कि आप ब्लश लगा लीजिए, अभी मैं ब्लश लगाने जा रही हूँ। तो अगर आपको क्रीम कॉन्टोरिंग करनी है या पाउडर कॉन्टोरिंग करनी है वो आप पे डिपेंड है। क्रीम कॉन्टोरिंग से ये होता है कि वो अच्छे से आपको फिनिश नहीं देता है, एंड देन पाउडर कॉन्टोरिंग मिनट में हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ब्लश देख सकते हो, एकदम मैंने पिंकिश का ब्लश यूज़ किया है। एंड देन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाए फेस पे तो आप क्या करें, जैसे कि मेरे लग गया है, ज़्यादा लग गया थोड़ा सा, तो आपने क्या करना है, आपने लेना थोड़ा सा पाउडर, कोई भी पाउडर ले सकते हो आप, या आपने जो उनसा यूज़ करा है पाउडर वही ले लीजिए अपना हल्का सा, जहाँ आपने देखो सकते हो मैं ज़्यादा हो गया, सो इसीलिए अब वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हो गया है वहाँ पे आप लगा लीजिए कॉम्पैक्ट पाउडर। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, तो इससे आपको मिक्स हो जाता है कलर एंड देन वो हल्का हो जाता है कलर, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लगा लो तो फिर ज़्यादा ही मिल जाएगा कि मेरे ब्लश हो गया, पिंकिश हो जाती है ज़्यादातर। सो ब्लश इज़ डन, अब करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं आई शेडो वाली ही कॉन्टोरिंग करती हूँ। मेरा जो कॉन्टोर पैलेट है वो कंसीलर पैलेट जिसे कहते हो आप, देख सकते हो आप मेरे जो कॉन्टोरिंग कर रहे हो, अगर आप वो भी कॉन्टोरिंग ज़्यादा हो गई है आपकी तो कोई बात नहीं, आप पाउडर लेके उसे फेड कर सकते हो उसके कलर को। ओके, तो देख सकते हो पतला हो गया मेरा फेस, एंड देन इस साइड इधर की साइड भी आपको जहाँ मार्क लगाया था ब्लश से थोड़ी सी नीचे की साइड और पाउडर से थोड़ी सी ऊपर की साइड आपने वहाँ कॉन्टोरिंग करनी होती है। देख सकते हो एकदम जैसे कि आप स्केल और पेंसिल से लाइन बनाते हो वैसे ही बन जाती है। आपने क्या करना है, आपने ब्लश और कॉन्टोर को दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा वो कर लिया। देख सकते मेरे ज़्यादा हो गया है कॉन्टोर, तो इसलिए मैं पाउडर ले रही हूँ। पाउडर लेने में आप जहाँ कॉन्टोरिंग करते हो वहाँ पे आप कॉन्टोर का लगा सकते हो, एंड देन आप अपने कलर को फेड कर सकते हो। सो आप अपनी जॉ लाइन को कर लीजिए, अगर आपने जॉ लाइन को पतला करना है तो आप जॉ लाइन भी पतली कर सकते हो। ओके, तो वैसे मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा पतली है इसलिए मैंने इसको पतला नहीं किया, क्योंकि जो सोनाक्षी है, सोनाक्षी सिन्हा है, उनकी जो नोज़ है वो काफ़ी मोटी है। ओके, तो मेरी अभी बहुत ज़्यादा मैंने हाईलाइट करके उसको पतली कर ली है, एंड अभी मैं हाईलाइटर लगाऊंगी तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ही पतली हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपनी आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ, कि आप कोई भी ब्लैक आई शेडो लेके या फिर कोई ब्रा पोमेड लेके आई अपनी ब्रा बोन को या ब्राउज को
हैवी कर सकते हो। ओके तो वैसे ही यहाँ की साइड मेरी आईब्रो पे कट लग गया है, कट लगा हुआ था पहले से, तो गाइस इसीलिए वो ज़्यादा फिलअप अगर आप कर लोगे तो वो आर्टिफिशियल लगेगी, इसलिए मैंने हल्की सी उसे रहन दी कि आर्टिफिशियली लगेगी, आपने ज़्यादा ज़्यादा लगा रखा। ओके तो अभी आप इस अपने ब्राउज को कॉम कर लीजिए ताकि आपका जो आई शेडो है या जो भी आपने लगाया है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ओके गाइस तो ब्राउज हो गई है मेरी, अब आरी आती है आई शेडो की। आई शेडो में आप सबसे पहले ले लीजिए गोल्डन कलर, गोल्डन कलर को आपने अपने आउटर विंग से एक विंग बनाते हुए आपको इनर कॉर्नर की साइड जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो, आउटर विंग से इनर कॉर्नर की साइड जाना है। देख सकते हो आप आउटर वी से इनर कॉर्नर की साइड, एंड देन आप जितना भी आपका क्रीज आई है, क्रीज बनी है, उसको फिलअप कर लीजिए। आप जो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मतलब जहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ मैंने निशान भी लगा रखा है, वहाँ जैसे कि आपकी आईलिड बंद होती है एंड देन ओपन हो जाती है, वहाँ तक आपने ब्लैक आई शेडो को लेना है। और अच्छे से स्प्रेड कर लेना है दोनों तरफ, इनर कॉर्नर की साइड एंड आउट ऑफ की साइड। ओके तो मैंने आउटर वी पे थोड़ा ज़्यादा लगाया है इसीलिए, एंड देन ब्लेंड भी होएगा इसीलिए मैंने ज़्यादा लगाया है। इनर कॉर्नर की साइड भी अब ज़्यादा लगाई है, एंड देन आउट ऑफ वी पे भी आपने ब्लैक आई शेडो को ले लेना है, एंड देन एक फ्लफी ब्रश या फिर फ्लैट शेडर ब्रश से आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। इसमें मैंने हाइलाइटर ब्रश लिया है, दोनों को मिक्स कर लीजिए आई शेडोज को, तो ये एक न्यूड सा कलर बन जाएगा जो कि आईज पे एकदम सेटल रहेगा कि देख सकते मैंने दोनों तरफ कर लिया है। एंड देन अब बारी आती है हाइलाइटेड पॉइंट्स पे, आप लीजिए ये हाइलाइटर, हाइलाइटर आप जौन सा ले सकते हो ले लीजिए, मैंने एच डी प्रो का लिया था। ओके तो वो कुछ ज़्यादा हाइलाइटेड है इसीलिए आप अपने चिक बोन पे लगाइए हाइलाइटर। अपनी देखिए एच डी प्रो का मैंने हाइलाइटर ले रखा है, ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। अपनी नोज़ को लगाइए, देख सकते हो कितनी शार्प हो जाती है हाइलाइटर लगाने के बाद नोज़। अपने चिक बोन पे लगाइए, अपनी चिन पे लगाइए ताकि वो भी हाइलाइटेड हो जाए। ओके तो बारी आती है अब लिपस्टिक की, लिपस्टिक मैंने टू शेड्स मिला के कन्वर्ट किया था, एक शेड जो कि बहुत ही न्यूट्रल सा था, एंड देन वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था सोनाक्षी शीना के शेड के साथ, सो मैंने यहाँ पे एक मजेंटा कलर एक न्यूड कलर दोनों शेड ले लिए हैं, एंड देन इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक न्यू शेड बनाया है जो कि देख सकते हो आप कितना सुंदर लग। सो गाइस ये थी सोनाक्षी सिन्हा की पिक्चर और ये थी मेरी रिक्रिएटेड पिक्चर, ख़राब लग रही ना जैसी भी लग रही है आप मुझे बताना, और अच्छी लग रही है तो हिट लाइक, अगर बेकार लग रही कोई कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके मैं अगले टाइम इम्प्रूव कर लूँगी। ओके सो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, के लिए टेक केयर स्टे ब्लेस्ड बाय बाय। गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आप आउटफिट का होगा, आउटफिट मुझे नहीं मिला था इसलिए बाय।